हेलो नमस्कार। एक बहुत बेहतरीन और नया वीडियो जो आपके लिए है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या फिर जिनका रैंक थोड़ा कम होता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं आईसीएआर 2024 की काउंसलिंग के थ्रू, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। वैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काउंसलिंग से पहले आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा चॉइस प्रेफरेंस कैसा है, तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो इस वीडियो को सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे बीएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्स चलता है वो कितने यूनिवर्सिटी में इस बार चलेगा और उसके टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी होने वाली है। कल मैंने आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सभी कोर्स के बारे में मैं यूनिवर्सिटी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में बताऊंगा, तो उसका लिए एक प्लेलिस्ट भी आपके लिए जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो प्रोग्राम है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, उसके अंदर टोटल 27 यूनिवर्सिटी प्लस आपका जो आईआईबीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो वाराणसी में स्थित है वो भी इसके साथ में ऐड हुआ है। तो टोटल 28 आपको चॉइस प्रेफरेंस में हॉर्टिकल्चर के कॉलेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, 27 आपके स्टेट सेंट्रल है, उसके बाद में एक जो आईआरआई का जो आपका वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो वाराणसी में, इसको भी इस साल ऐड कर दिया है। अब हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर के अंदर टोटल हमारी कितनी नंबर ऑफ सीट है और एक्सपेक्टेड जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है हॉर्टिकल्चर का, कितने मार्क्स तक, कितने रैंक तक हॉर्टिकल्चर है वो आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में। तो बता दूं कि हमारे पास में जो टोटल यूनिवर्सिटी है वो कितने आ रहे हैं, 28। उनमें से 3 से 4 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अभी तक अपना सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश नहीं किया है। ये सीट मैट्रिक्स वो जब आईसीआर का काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम पब्लिश करेगा, लेकिन हर साल के भांति हर साल जितनी सीटें होती है उनके अकॉर्डिंग सीटें काउंट करके मैं बता दूं तो इस बार लगभग 750 प्लस सीटों पर हॉर्टिकल्चर में आपको आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा। ठीक है, जिसमें से 657 सीटों का जो एकदम आंकलन है वो कर दिया है आईसीआर ने, लेकिन 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अभी तक अपना ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश नहीं किया है। उनके अलावा 20 सीट जो आपका देखने को मिलेगा, जो आपका नया मैंने अभी तक बताया था वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आईआईबीआर, उनमें आपको 20 सीट है वो इस बार देखने को मिलेगा जिसमें बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का कोर्स चलेगा। और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर कोई बच्चा हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्टेड है तो भाई आईआईबीआर से कहीं और जगह मत जाना क्योंकि इसका ओब्वियसली कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाएगा। यूनिवर्सिटी मतलब कैंपस भी बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वो साबित होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स, काफी बच्चों के नंबर थोड़े कम होते हैं, एग्रीकल्चर नहीं मिल पाता है तो उनको हॉर्टिकल्चर की ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप हॉर्टिकल्चर की ओर जाओ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डिटेल में लाइव सेशन भी आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो में, वहां जाके देखना। एक मैम के साथ में लाइव सेशन किया गया था जिनका अभी पीएचडी चल रहा है आईआरआई से, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से, तो उन्होंने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो वो जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हॉर्टिकल्चर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें क्या करियर ऑप्शन सच में है या नहीं है, अगर है तो कौन कौन से आपके लिए करियर ऑप्शन बन सकते हैं, ये कंप्लीट डिस्कस है वहां पर क्या है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, वो है कि अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, बेस्ट जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारा पेड प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 499 रुपए फीस है जिसमें एक ही कोर्स के बारे में, एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पहले काउंसलिंग से पहले समझाया जाएगा, उसके बारे में आपको डेली गूगल मीटिंग मिलेगी और आपके लाइव चैट के थ्रू आपके डाउट सेशन रखा जाएगा, डाउट क्लियर किए जाएंगे, फिर काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हम आपको कंप्लीट करके देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट में हर जगह आपकी हेल्प की जाएगी, उसके बाद में यूनिवर्सिटी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी। काउंसलिंग से पहले बहुत ज्यादा टाइम है, इस फ्री टाइम में आपको क्या करना चाहिए इसके लिए अगर पूरा गाइडेंस चाहिए, एक अच्छी कॉलेज, एक अच्छी काउंसलिंग है और एक अच्छे कॉलेज की नीड है तो आप हमारा पेड प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ पहले मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी में बीएससी एग्रीकल्चर का कट ऑफ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहां जाके आप देख लेना। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 280 के समथिंग आ रहे हैं, 270 प्लस आ रहे हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन है वो हॉर्टिकल्चर में हो जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर लगभग 265 प्लस 270 के समथिंग आ रहा है
वो एक बार के लिए अपने आप को हॉर्टिकल्चर के लिए सेफ मानो। एससी एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 230 240 आ रहे हैं उन बच्चों के सिलेक्शन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब 250 प्लस तो है तो 100% आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अदर कैटेगरी लाइक तुम्हारा फिजिकल चैलेंज हो गया, यूपीएस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, जिन बच्चों के 150 नंबर 130 नंबर 140 नंबर है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आईसीआर रैंक वाइज, जिन बच्चों का रैंक 8000 के अंडर में आएगा, 8000 तक आएगा जनरल कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन हॉर्टिकल्चर में हो जाएगा। 8500 रैंक तक आपका, 8500 9000 रैंक तक आपका सिलेक्शन है वो हॉर्टिकल्चर में। लास्ट ईयर हमने करवाया था विद परोक, आपको बता देंगे इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे जैसे काउंसलिंग नजदीक आएगी या फिर आप पेड प्रोग्राम लोगे तो इसमें सारी चीज़ें पता भी चल जाएगी, ठीक है। 8500 तक तो नवसारी यूनिवर्सिटी में बच्चों का सिलेक्शन करवाया, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी में, तो यहां पर आपका रैंक अगर 16000 तक भी होगा तो आपको सिलेक्शन है वो मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। 15000 तक मान के चलो आप अपने आप को एक बार के लिए शेयर। उसके बाद में अदर कैटेगरी में यार अगर आपका रैंक 30000 35000 40000 भी है, 35000 40000 पे बीएससी एग्रीकल्चर भी मिलता है अदर कैटेगरी में तो आपको मिल जाता है। इनका कोई स्पेसिफिक रैंक होता नहीं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, आपने पूरा वीडियो देखा उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो ही जल्दी आपको मिलेगा। हम जितने भी जो 12 कोर्स हैं उनके टोटल कितने यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगे, इनके लिए बेहतर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी कोर्स वाइज हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करना। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ग्रुप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है और इंस्टाग्राम का पेज जिनका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, वहां पे जाके भी आप अपने डाउट है वो आस्क कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बी एच यू के साथ। थैंक यू वेरी मच।